अगर बहुत देर तक ऐसा टेंशन माँ के दिमाग पर रहा तो मुझे डर है यार, वो बहुत जल्द पागल हो जाएंगी। ऐसा मत बोल ऋषभ। यार तूने हाल ही में उनकी हालत नहीं देखी, जैसे पानी बहुत देर तक अगर उबलता रहा तो धुआं बनकर उड़ जाता है, वैसे ही अगर इंसान का खून उबलता रहा तो वो अपने प्राण से हाथ धो बैठता है यार। मुझे तो डर है कहीं उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत ना आ जाए। तुम पुलिस वालों से मिले? पुलिस वाले ले देकर यही एक काम तो कर पा रहा हूं, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूं उन लोगों के लिए। रोज अपना फर्ज पूरा करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूं, लेकिन सच तो यह है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। न करण की हिफाजत कर पाया, न ही मां को तसल्ली दे पाया। कहते क्या हैं पुलिस वाले? नतीजा जीरो है, बिल्कुल सिफर। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ बराबर चल रहा है, कुछ टेलीफोन लाइंस टैप कर रखी हैं। अब पता नहीं सबसे क्या होगा। त्यागी, त्यागी ठीक है तुम्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली ना सही, लेकिन अपने चेहरे पर इतनी शर्मिंदगी तो मतलब। भैया हम उनका सपना तलाश कर लिए, जहां ढूंढा जा सकता था वहां भी, जहां नहीं ढूंढा जा सकता था। लेकिन त्यागी ये बात तो तय है कि वो लोग अभी तक बॉम्बे नहीं। अब जब वो लोग हमारे हाथ नहीं आ रहे तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि उनकी अक्ल की तारीफ करूं या अपनी नाकामयाबी की बुराई। सोचा था उन्हें आड़े हाथ देना बहुत आसान होगा, लेकिन उतना ही मुश्किल हो रहा है। भैया ये बात तो तय है कि वो लोग कौनों ऐसी जगह पे हैं जो हमरे और पुलिस दोइयों के शक के दायरे के बाहर है। बहुत सा मुजरिम वो खाली फ्लैट में जो नया बिल्डिंगों में होता है वो में जाकर छुपता है। हम सोचता हूं कि हम उनको वहां जाकर तलाश। ओ त्यागी मुझे तो ताज्जुब होता है कि तुम्हें सोचने का वक्त कैसे मिल जाता है। तुम ये वक्त जाया क्यों कर रहे हो? तुम्हें अभी तक ये तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी। भैया ऐसन कामन के लिए पूरा फौज का जरूरत पड़ता है। हम पता किया हूँ, हिसाब लगाया हूँ कि अलग अलग एरिया में कम से कम 50,000 से ज्यादा ऐसा मकान है जो खाली डला है। अब मान लीजिए अगर हम एक सिरा से उन सबरे मकानों का तलाश अकेला शुरू करता हूँ तो ही मैं टाइम बहुत लग जाएगा। अब तुम लोगों को जो करना है तुम ही लोग सोचो और तुम ही लोग करो, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ रहने जा रहा हूँ, तुम लोगों से जो बन पड़ता है करो, आई डोंट केयर। और हाँ वहां के घर मुझे फोन मत करना प्लीज, क्योंकि वहां की सारी टेलीफोन लाइन्स टैप की गई हैं। पता लगा अपना तो कोई काम हुआ नहीं, बेकार में फंस गए।